क्या स्वादिष्ट चावल है। इसी प्रकार के चावल क्या आप भी बनाना चाहते हो? चलो आज मैं आपको ऐसे ही चावल बनाने सिखाऊंगा। ये चावल किस प्रकार से बनते हैं, आपका बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत अच्छे चावल बना के दिखाता हूँ, जो कि आप चावल 30 रुपये बिक्री, 40 रुपये बिक्री, 50 रुपये बिक्री, जैसा भी आपको चावल अच्छा लगे वैसे ही आप कर दीजिए। जैसे गोल्डन चला राइस, राइस आप या बनास्पति राइस, जैसे कौन सी आपकी इच्छा हो डाल लीजिए। जैसे कि ये आज मैं आपको 40 रुपये वाले चावल की रेसिपी लेके आया हूँ, किस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे चावल बनाएंगे और कितने मज़ेदार चावल, बहुत स्वादिष्ट चावल बनते हैं। जैसे कि एक मूंग किट लेके आया आपके लिए, हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया सरसों का, ये हमारी घिया है, इसको हम कटिंग कर देते हैं फटाफट से। हम किस प्रकार से इस घिया की कटिंग करेंगे, इसमें कैसे इन चावलों के साथ घिया बात आपको मैं बना के दिखाऊँगा कैसे बनता है। छील लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो तेल है वो तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज, थोड़ा तेज पत्ता और जीरा इसमें डालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें जीरा डाल दिया, अब हम इसके अंदर तेज पत्ता डाल देंगे, जो हमारी प्याज और हरी मिर्ची इसके अंदर। प्याज बनके तैयार हो गई, इसमें हमने टमाटर और लाल मिर्ची डाल दी, जो कि हमारे टमाटर और लाल मिर्ची डाल दिए तो अभी बाद में ये हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, जो हमारी घिया है। अब हम इसको इस प्रकार से हमने काट दिया, अब हम इसको गिलास से थोड़ा थोड़ा कट मार देंगे। जो हमारी घिया है इस प्रकार से हमने इसको कटिंग कर दिया, अब हमारे टमाटर और जो लाल मिर्ची डाल दी वो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे, हमने इसमें थोड़ी हल्दी लगा दी, अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल दें। स्वाद अनुसार हम थोड़ा नमक लगाएंगे इसमें। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक लगा दिया, जो हमारी ये ग्रेवी है इसके अंदर डाल देंगे। घिया के अंदर हमने ग्रेवी के अंदर हमने घिया डाल दी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे। जैसे कि स्वाद अनुसार थोड़ा सा ब्लैक साल्ट
इनकी काला नमक इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो कि हमने इसको वॉश किया हुआ है, अच्छी तरह से धो लिया हमने इसको और धो के सुखा के छोड़ दिए थे। ये हमारा पानी पी के बहुत से तैयार हो गए बहुत अच्छी तरह से। आप सबसे पहले इसको धो करके रख दीजिए ताकि ये पानी पूरी पी के अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल दिए। आपको चावल थोड़े नमक के हिसाब से डालने हैं, चावल बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये कढ़ाई बनाई हुई है, इसमें लगभग 200 ग्राम चावल डाले हुए हैं और लगभग ये मान लीजिए 400 ग्राम के लगभग घिया है इसके अंदर, यानी घिया हमारी दुगनी हो गई और चावल अधवाद हो गए। इसी प्रकार से आपकी बनाने की बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसी प्रकार की वीडियो बहुत है, बहुत से अनेक प्रकार की वीडियो डाली जाती है हमारे YouTube चैनल पर, जैसे कि आप जाके वहाँ हमारी प्लेलिस्ट है, उनमें अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। उनमें आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हो तो वीडियो रैंक में कैसे आती है, चावल कैसे बनते हैं, किसी भी प्रकार की खांड या और कुछ आप अगर बनाना चाहते हो तो वहाँ से हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट से आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हो। अब हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने घर में चावल बना सकते हो। अगर एक बार ये चावल खाओगे तो आप चाउमीन बर्गर भूल जाओगे। ये चावल किस प्रकार से बनते हैं आप देख लीजिए। अब हमने इसमें धनिया और थोड़ा सा मसाला लगा दिया, आप कोई भी मसाला लगा ले, गरम मसाला या मीट मसाला।